हेलो यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आप सबका मेरे इस नए चैनल में जिसका नाम है लाविस मिनी ब्लॉग। ये मेरे हस्बैंड हैं गाइस, जो कि सुबह सुबह उठ गए हैं और रेडी हो रहे हैं पिकनिक जाने के लिए। और जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी सुबह के बज रहे हैं 7 और मेरे हस्बैंड हो गए हैं रेडी, क्योंकि इनको जाना है पिकनिक अपने ऑफिस के साइड से। तो अब देखिए गाइस, 8 बज चुके हैं और मैं भी सोच रही हूँ कि अब मैं भी उठ लेती हूँ, क्योंकि इससे पहले मैं सो गई थी। तो अब चलते हैं, थोड़ा सा भगवान को प्रणाम करते हैं, उसके बाद चलते हैं किचन में। किचन में जाने के बाद मेरा आदत है सुबह सुबह मतलब थोड़ा गर्म पानी पीने का, इसलिए मैं किचन में जाके अपने लिए गर्म पानी कर रही हूँ गाइस, क्योंकि मुझे नहीं जाना था गाइस मतलब पिकनिक, इसलिए मैं सो ही रही थी। 1 घंटे के बाद मैंने उठा है, अभी भी मेरे हस्बैंड पिकनिक नहीं गए हैं। मैं थोड़ा पानी गर्म कर लेती हूँ, उसके बाद पी लेती हूँ, फिर मैं अपने को अपने हस्बैंड से मिलाती हूँ। अभी देखते हैं क्या कर रहे हैं वो, चलते हैं उनके पास पानी पी के। तो वैसे यहाँ पे इनके पिकनिक ले जाने के लिए कुछ सामानों की पैकिंग चल रही है, और ये अब ये थोड़ी सी मस्ती, अब ये पिकनिक के लिए निकल चुके हैं गाइस, तो इनको बाय करते हुए चलते हैं। अब थोड़ी सी बालकनी में धूप ले लेते हैं गाइस, क्योंकि बालकनी में थोड़ी सी धूप आती है, उसके बाद फिर से चलते हैं हम किचन में। किचन में बनाएंगे हम चाय अपने लिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड चाय नहीं पीते हैं, इसलिए मैंने उन्हें चाय बना के नहीं दिया था। और भी बनाती हूँ मैं चाय अपने लिए, फिर चाय पी के हम कुछ देर आराम करेंगे, उसके बाद घर के कामों में व्यस्त हो जाएंगे गाइस। सो गाइस, मेरी चाय अब बन चुकी है, चलते हैं हम चाय पीते हैं, उसके बाद थोड़ी टाइम हो गया है 9 और अब मैं थोड़ा सा सफाई कर लेती हूँ। बेड सुबह सुबह बिखरा हुआ रहता है, तो सबसे पहले बेड को ही ठीक करती हूँ मैं, उसके बाद। सो गाइस, ये मेरा पहला ब्लॉग था है, आप लोगों को कैसा लगा बताना जरूर। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और अगर आगे ब्लॉग देखना चाहते हैं गाइस तो कमेंट करके बताना जरूर। और ऐसे ही आप लोग मेरे ब्लॉग के साथ बने रहेंगे, बाकी आपको बाकी वीडियो आपको आगे देखने को जरूर मिलेंगी। इसी बीच मेरी सिस्टर का कॉल आ गया था, जो आज संडे है ना, तो वही बात ये कर रही थी कि चलो कहीं बाहर घूमने चलते हैं। मुझसे बाहर घूमने का बहुत मन कर रहा था, देखते हैं प्लानिंग कहाँ तक चल रही है और कहाँ तक पहुँचती है जाके, हम लोग बाहर जाते भी हैं या नहीं जाते हैं। अगर मैं बाहर गई तो उसकी वीडियो आपको ज़रूर देखने को मिलेगी। तो उसको वैसे ये थोड़े से कपड़े थे जिनको मैंने अपने हाथों से ही धोया था, वो मैं थोड़ा सा सुखा लेती हूँ। कुछ कुछ कपड़े छोटे मोटे होते हैं जिसे मैं हाथों से ही धो लिया करती हूँ। वाशिंग मशीन में ये जो रेगुलर साड़ियाँ होती हैं, फिर किसी में स्टोन वगैरह होती है, तो वो सब ख़राब होने लगती है, इस वजह से कुछ कपड़े हाथों से ही धो लेना चाहिए। सो चलते हैं फिर से किचन में, बनाते हैं नाश्ता। और ये थोड़े से आटे बचे थे जिनको मैंने रात में गोद के रख लिया था, ये मेथी के पराठे बनाया था मैंने, वही आटे बचा हुआ था, तो मैं सोची सुबह भी इसी को बना लेती हूँ। मेथी के पराठे मुझे भी पसंद है, मेरे हस्बैंड को भी पसंद है, और मेरे भांजे को भी बहुत पसंद है। तो अधिकतर ठंडिया में हम ये सर्दियों में हम मेथी के पराठे ज़रूर बनाते हैं, आप भी बना सकते हैं गाइस, इसे बनाना बहुत ही इजी होता है। अगर इसकी भी रेसिपी चाहिए तो आप कमेंट जरूर करना, मैं बता दूँगी ये कैसे बनता है, और मेरी स्टाइल बनाओगे बहुत टेस्टी लगेगा इस सच में। सो गाइस, मेथी के पराठे आपको कैसे लगे बताना जरूर, मैं आगे भी दिखाऊँगी ये बनने के बाद कैसे दिखती है। तो नाश्ता मेरा बनके हो गया है तैयार, देख सकते हैं आप लोग। अब चलते हैं हम ब्रश करने, ब्रश करने के साथ थोड़ी सी मस्ती हो जाए, ये थोड़ी सी मस्ती। उसके बाद घर की सफाई गाइस मैं खुद ही करती हूँ, क्योंकि मुझे घर पे साफ़ सुथरा रहना बहुत पसंद है, और इससे थोड़ी सी एक्सरसाइज भी हो जाती है, इसलिए मैं तो सबको यही सजेस्ट देना चाहती हूँ कि घर की सफाई इंसान को खुद ही करना चाहिए। सो गाइस, आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताना जरूर, और आगे भी मैं ऐसे ही वीडियोज़ बनाती रहूँगी जो मेरे चैनल पर आएँगे, आप ज़रूर देखना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को।
बर्तन तो ज़्यादा थे नहीं, थोड़े से बर्तन थे, तो मैंने सोचा इसे भी जल्दी से साफ़ कर लेती हूँ, साफ़ करने के बाद जाऊँगी नहाने। तो अब तो ये बर्तन मेरे हो गए हैं साफ़, अब मैं चलती हूँ नहाने के लिए। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग के साथ। ओके गाइस, बाय बाय। सो गाइस, हो गई हूँ मैं रेडी और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आगे की ब्लॉगिंग देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू गाइस।